नमामि श्रीमत् मीराबिंदु सावित्री अध्ययन कार्यक्रम रे अंश ग्रहण करथुबा सम्मानस्पद समस्त भाइयपा सावित्री महाकाव्य दि बुक ऑफ बिगिनिंग्स तृतीय पर्व दि योग ऑफ दि किंग दि योग ऑफ सोल्स रिलीज गतकाली आमे 25 पृष्ठ 25 नंबर लाइन रे शेष करथिले। आज 25 पृष्ठ 26 नंबर लाइन रु आरंभ करिबा। केवल दुई धाड़ी पूर्वर सूचना दौची कारण गत काली आम जो सारी थिले ता थिला जे दि लैंडमार्क्स ऑफ दि लिटिल पर्सन फेल दि आइलैंड ईगो जॉइंट इट्स कंटिनेंट आइलैंड ईगो जॉइंट इट्स कंटिनेंट अहंग्र विलुप्ति घटी एवं अहं तार मूलसत्ता सहित मूलक्षेत्र सहित से मिलित होई परिणाम स्वरूप बाकी जहाँ सब घटी जाए ताठी उल्लेख कर गत काली आम से परिणाम अहंग्र विलुप्ति हवा फल कौन सबू अश्वपति जीवन रे संघटित से कथा आलोचना करें आज ता कंटिन्यू करेंगे। कह जाऊँ अवर पास्ट वाज दिस वर्ल्ड ऑफ रिजिड लिमिटिंग फॉर्म्स यही जगतर जो अनमनीय सीमाबद्ध सत्ता सकल अच्छी से सबको सी अतिक्रम कर रूप सकल को सी अतिक्रम कर लाइफ्स बैरियर्स ओपन्ड इनटू द अननोन एवं जीवन जो प्रतिबंधक सकल रही से सब प्रतिबंधक सत जमी हटि जाऊँगी उन्मुक्त करदे कड़क इंटु दि अननोन अज्ञात आड़ को आम देखिए एबोलिस्ट वेर कनसेपन्स कोभेनान्स एंड स्ट्राइकिंग अफ सब्जेक्शंस रिगारस क्लॉज एंड ऑल दि सोल्स ट्रिटी विथ नेचर्स नेशाइंस अहंग्र विलुप्ति हवा फल कौन है ना एबोलिस्ट रद्द हो जाए उच्छेद हो जाए नष्ट हो जाए कनसेपन्स कोभेनान्स आज पर्यंत आम धारणा भितर जो सब विधि विधान नीति नियम बा चुक्ति दलील कोभेनान्स प्रकृति में कोभेनान्स हूँ गोटे प्रकार एग्रीमेंट तो धारणा भितर आमर जहाँ रही आम प्रिजुडाइज बोली करेंगे पूर्व धारणा परंपराक्रमे जो सब धारणा आम चिंता चेतन बसा बांधि रही से धारणा जो सब विधि विधान सृष्टि कर सबू सत्य जमी उच्छेद होगला बिलोप हो गला एंड स्ट्राइकिंग अफ सब्जेक्शंस रिगरस क्लच सब्जेक्शन जनक अधीन रहिबा दास भली जनक अधीन रहिबा ताको सब्जेक्शन कहा जाउछि एवं जेतेबेले जड़े अन्य जनकर अधीन रहे सेतेबेले ता उपरे मालिक कण करिता रिगरस क्लच अत्यंत कठोर शर्तमान विधानमान नियममान लागू करिथाय किंतु अहंग्र विलुप्ति हेबा फल वर्तमान से जो अधीनतार कठोर विधान सब थिला बा उपर विधि सब थिला क्लज गुड़ाक थिला ताहा को से उच्छिन्न कर दौछंती स्ट्राइकिंग अप मूलपोच कर दौछंती दासत्व कहा सहित सब्जेक्शन आम कहार सब्जेक्ट ठीक रही नहीं स्थूल प्रकृति जड़ प्रकृति जड़ नियम आम सत्य जमी अधीन रही छु एवं जड़ प्रकृति आमको जमी परिचालित करुच्छी आम जीवन को आम सेमि परिचालित करुच्छू सेमि बाहि नौ किंतु अहंग्र जिते बड़े विलोप घटे व्यक्ति चेतना मूलसत्ता सहित जिते बड़े सम्मिलित हुए
सेतबेले प्रकृतिर से विधान आउ कार्यकारी होई पारे नाही। सेई सब्जेक्शन रु दासत्व रु अधीनता रु व्यक्ति मुक्त हो जाए। सेई भली अश्वपति सक्षम होईचंती, अधीनतार जो सब उपविधि रही ताकु से स्ट्राइकिंग अप उच्छेद कर दउछंती। आहुरी मध्य एनॉल दि सोल्स ट्रीटी विद नेचर्स नेसाइंस, देयर वाज ए ट्रीटी इन बिटवीन सोल एंड नेसाइंस। ए पृथ्वी रे जन्म ग्रहण कला परे सते जेमिति आत्मा ओ नेसाइंस जोटा आम कहूँ नेचर्स नेसाइंस स्थूल प्रकृति परा प्रकृतिर जो अज्ञानी परा प्रकृति कहिबे नेसाइंस जे परम ज्ञान रा अधिकारी नुह सही परा प्रकृति सहित आत्मार गोटे चुक्ति थिला जे प्रकृति जेमिति चलेब आत्मा ताको अनुसरण करी चलेब। से जो संधि थिला चुक्ति थिला ताको मध्य उच्छेद करी दिया गला। आमे अध्यायटी को मन रखे सोल्स रिलीज आत्मार मुक्ति। आत्मा आत्मा एमिति रे चिरन्मुक्त किंतु पार्थिव जगतरे पार्थिव विधान पार्थिव प्रकृति तार विधान को आत्मा उपरे लागू कर दिए एवं आत्मा ताको मानिबा को बाध्य हुए। जेते बेले पर्यंत से अहं स्वार्थ घेरा भितरे बंदी हुई जीवनटी को बंचु थाए मनीष। जो दिन अहं एवं स्वार्थर ऊर्ध्व को चली जीव अहं मुक्त हुई असल तत्व सहित असल सत्ता सहित मूल सत्ता सहित मिलित हो जीव सेतेबेले ए पार्थिव विधान पार्थिव दासत्व प्रकृतिर बंधन ता पाई आउ काटु करिब नाही से मुक्त हो जीव। जदियो संपूर्ण मुक्तिर कथा वर्तमान कहा जाऊ नाही ए अध्याय शेष आड़ को कहा जाऊ छी लाइन टी केवल आपण मन को स्मरण कर दस His soul was released from ignorance बोली गए एमती लाइन टी अच्छी अज्ञानतारु तांकर आत्मा मुक्त ही छी शेष आड़ को से कथा कहा जाय छी। दिस इज द कंडीशन दिस इज द पोजिशन ऑफ अश्वपति ना से पार्थिव चुक्ति को बातिल कर दे पारि छंती पार्थिव दासत्वरु निज को मुकुले दे पारि छंती। सेही भली वर्णना आग को आहुरी रहुची ऑल द ग्रे इनहिबिशंस वर टर्न ऑफ एंड ब्रोकन द इंटेलेक्ट्स हार्ड एंड लस्चरस लीड ट्रुथ unpartitioned found immense sky room an empyrean vision saw and knew the bounded mind became a boundless light the finite self mated with infinity। छोटी धाड़ी रा गोटे वाक्य प्रत्येक धाड़ी गोटे गोटे लक्षण को गोटे गोटे घटना को उल्लेख करूछि कण all the grey inhibitions were torn off। इनहिबिशन्स होची निषेध बारण। आम जीवन रे देयर वर सो मेनी ग्रे इनहिबिशन ग्रे बोले जगह आम जाकू जोटा को रक्षणशील बोली कहू अनेक कथा आम पश्चिमांचल रे जुगासी ने जुगासी बोली कहू इटा जुगावा इटा ने जुगाए एंता कहा जैसी माने इटा हेबा उचित इटा हेब करबा उचित नुह इटा विधि नुह एही विधि रो अनुसरण करा जाई पारिबा नाही एभली आचरण कले भूल हो जाबो अनेक गुड़े निषेध आम जीवन उपरे लागू करा जाय छी परंपरा क्रमे आमे तार अनुसरण करी आसीछु। कहाँ पाई यह प्रजोज्य नहीं जो व्यक्ति वर्तमान पर्यंत अहं केंद्रिक एक जीवन बंचुछी जेदिन तार अहं तार मूलसत्तार पतन हेब अहंग्र पतन हेब अहंग्र विलोप हेब एवं मूलसत्ता सहित मिलन हेब आत्मकेंद्रिक हेब व्यक्ति
अहंकेंद्रिक न होई आत्मकेंद्रिक जेतेबेले व्यक्ति हेबो सेतेबेले ए ग्रे इनहिबिशन ए धूसर बा रक्षणशील बा कंजर्वेटिव जो इनहिबिशंस गुडाक रही छि निषेध गुडाक रही छि जीवन रे बारण सब रही छि से बारण सब रहिबा नाही। तो ये जगह अष्टपति जीवन से घटू तेणु कहते ऑल दि ग्रे इनहिबिशंस वे टर्न अप जहाँ सब धूसर जो निषेध थिला से सब टर्न अप टीयर जो टीयर टीयर अप कले आम जोटा को चिरीदे कथ कहू टर्न अप तार पास्ट पार्टिसिपल भर बोझे सत्य जमी चिरी कर रद्द कर दिगला छिन्न कर दिगला एंड ब्रोकन दि इंटेलेक्ट हार्ड एंड लस्चर स्लीट गोटे है ग्रे इनहिबिशन आम बुझीगल ये साधारण मनुष्य मान प्राइम प्रजोज्य बर्तमान द्वितीय कथा हूँ जो मैंने तथाकथित ज्ञानी व्यक्ति आम कौच ज्ञानी व्यक्ति जो मैंने ज्ञान अहंकार बचुच्चा सत्य जमी एक कठोर कठिन एवं वर्णोज्वल एक ढांकुणी सदृश रही था बौद्धिकतार इंटेलेक्ट्स जहाँ आम को से बौद्धिकतार सीमा भितर आबद्ध कर रखिदिए ताठूँ अतिक्रम कर पार ना निषेध सब को उदीर्ण करदेलापर द्वितीय से कौन कर एंड ब्रोकन दि इंटेलेक्ट हार्ड एंड लस्चर स्लीट एपरिकी जो बौद्धिकतार हार्ड कठिन अनमन्य और ज्योतिर्मय आवरण रही थिला परवर्ती समय कहुच्छे सत्यर कथा कहु अनपार्टिशन ट्रुथ सत्य को देखापी सत्य को चिन्हवापी सत्यर स्वरूप को जानवापी से ही लीट से ही ज्योतिर्मय कठिन अनमन्य ढांकुणी ताहार्ण होगला आम जानी उपनिषद ये कथा अच्छी जे सत्य को ढांकिक रखी एक ज्योतिर्मय ढांकुणी हिरणमयन पातेण सत्यस्य पिहितं मुखम सत्य धर्म या दृष्ट बोली अच्छी आ गोटे मझे मुझे भूली जाऊँ पर स्मरण कर आपण मानक कहीदेवी तस्मात अपब्रूण एमती गोटे अच्छी किंतु कथा आम जानी जे सत्य को ढांकिक रखी गोटे हिरणमय ढांकुणी ताकूर कहगला लस्चर स्लीट ज्योतिर्मय एक ढांकुणी जेहेतु ज्योतिर्मय ढांकुणी बा हिरणमय ढांकुणी ताकू आमे सहजरे दीर्ण करिबा को प्रस्तुत होना तो बौद्धिकता कण कर बुद्धि मनुष्य भितर एमती एक अनमनीय आवरण सृष्टि कर देछि जहाँ को सहजरे से अतिक्रम कर वास्तव सत्य को स्वीकार करने साहस करे ना सक्षम हुए ना बा इच्छा मध्य करे ना किंतु अश्वपति जीवन में आउ एमती घटूना से हार्ड लस्चर स्लीट मध्य भांगी जाऊँ कारण तांकर भितर आउ अहंग ना बौद्धिकतार से दंभ ना टाणपण ना तेणु से ढांकुणी भांगी जाऊँ परिणाम कौन है ट्रुथ अनपार्टिशन फाउंड इमेन्स कायरूम तांकर जीवन रे वर्तमान से परम सत्य अनपार्टिशन अविभाजित अर्थात द इंटीग्रल ट्रुथ द होल ट्रुथ पूर्णांग सत्य आम पार्थिव जीवन रे आम जहाँ कि सत्य बोली ग्रहण करो ता हे एक आंशिक सत्य टिके खाली केवल बुझापी मुझे कहीदेवी केमी सत्य आम पाई आंशिक होता है समय उपयोगी होता है गोटे समय थिला ता सत्य हो कि न हो मनीष सत्य बोली ग्रहण कर जो दिन पर्यंत मनीष को बुझे दिगला ना जे सूर्य स्थिर पृथ्वी ता चतुर्दिगे घूरू से दिन पर्यंत मनीष पाखे यहाँ ही सत्य थिला जे ना सूर्य घूरू पृथ्वी स्थिर किंतु सत्यर परिभाषा बदली जाऊँ ता पर दिन जो दिन मनीष जापी जे ना पृथ्वी घूरू सूर्य स्थिर गोटे प्रांतर सत्य आ गोटे प्रांत कार्य करूना तेणु आंशिक सत्य खंडित सत्य आमर पार्थिव जीवन रे वर्तमान पर्यंत विद्यमान हो रही एवं आम ताक सत्य बोली अनुसरण कर चलीचु जो सत्य समस्त प्रजोज्य हो ना गोटे अंतर गोटे अंचल लोक मैं प्रजोज्य हेल्ले आ गोटे अंचल लोक मैं प्रजोज्य हो ना
ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମିତି ଅଘଟିଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସତ୍ୟକୁ ଢାଙ୍କି ରଖିଥିବା ସେହି କଠିନ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଢାଙ୍କୁଣିଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଢାଙ୍କୁଣି ଯାହା ସତ୍ୟକୁ ଢାଙ୍କିକରି ରଖିଥିଲା, ହିରଣ୍ମୟେନ ପାତ୍ରେଣ ସତ୍ୟଶ୍ଚପ୍ୟହିତଂ ମୁଖଂ, ସେ ଯେଉଁ ଢାଙ୍କିକରି ରଖିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସତ୍ୟ ଅନ୍ପାର୍ଟିସନ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଅନ୍ପାର୍ଟିସନ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇମେନ୍ସ କାୟରୁମ୍ ଇମେନ୍ସ କାୟରୁମ୍ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବ୍ୟାପ୍ତ ଆକାଶ କକ୍ଷକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆକାଶ ପ୍ରସାରୀ ଏକ କକ୍ଷକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆନ୍ ଏମ୍ପିରିଆନ୍ ଭିଜନ୍ ସ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ। ଏହି ସମୟରେ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନାରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି? ଆନ୍ ଏମ୍ପିରିଆନ୍ ଭିଜନ୍, ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୃଷ୍ଟି। ଏମ୍ପିରିଆନ୍ ମାନେ ହେଭେନ୍ଲି, ହାଇଏଷ୍ଟ ହେଭେନ୍। ଏମ୍ପିରିଆନ୍ ଭିଜନ୍, ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୃଷ୍ଟି। ସେ କ'ଣ କରୁଛି ବା ତାକୁ ଦ୍ୟୁଲୋକ ଦୃଷ୍ଟି ବୋଲି ମନୋଜ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟୁଲୋକ ଦୃଷ୍ଟି। ସ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବା ଭିଜନ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଫିଜିକାଲ ଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଥଲି ମେନ୍। ପାର୍ଥିବ ମଣିଷର ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଏକ ଦ୍ୟୁଲୋକ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାହା ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ସେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଜାଣିଲେ କ'ଣ, ଦି ବାଉଣ୍ଡେଡ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବିକେମ୍ ଏ ବାଉଣ୍ଡଲେସ୍ ଲାଇଟ୍। ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ମନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ବାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଆବଦ୍ଧ ସୀମାବଦ୍ଧ ମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅସୀମ ଆଲୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ମନର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଏବଂ ଏକ ଅପରିସୀମ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛି ମନ, ତାକୁ ଆଲୋକ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି, ବାଉଣ୍ଡଲେସ୍ ଲାଇଟ୍। ଦ ଫିନାଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ମେଟେଟ୍ ୱିଥ୍ ଇନଫିନିଟି, ଏବଂ ଶାନ୍ତର ଅନନ୍ତ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହେଉଛି, ମିଳନ ହେଉଛି। ଫିନାଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଆମର ହେଲା ଫିନାଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ, ସସୀମ ସତ୍ତା, ଆମର ସୀମା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୀମର ସେ ଏକ ସଖା ହୋଇଗଲା, ମେଟ୍ କ୍ଲାସମେଟ୍ ପ୍ଲେମେଟ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ସେ ଏକ ସଖା ହୋଇଗଲା, ସହଚର ହୋଇଗଲା, ତା ସହିତ ତା'ର ମିଳନ ହୋଇଯାଉଛି, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତ ଅନନ୍ତ ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁଟା ସହଚର, ଅନନ୍ତର ସହଚର ହେଉଛି, ଅନନ୍ତର ସଙ୍ଗୀ ହେଉଛି। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି। ନାଇଁ, ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଉଚ୍ଚତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଏକ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଅବତରଣ କରିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ପୁରା ଏକଦମ ଜୋର ଆଘାତ କରିକରି ସ୍ମାଇଟ୍ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଧୀରେ 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 ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଚେତନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବେ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅତିମାନସ ଚେତନା ଅବତରଣ କଲେ ନିମ୍ନରେ ଅପ୍ରକଟ ଥିବା ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ଆମ ଭିତରେ ଅପ୍ରକଟିତ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେହି ସ୍ତରରୁ ଆସ୍ପୃହା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହେବ, ନିମ୍ନରୁ ଆବାହନ କରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ଅପ୍ରତିହତ ଆସ୍ପୃହା, ଉପରୁ ଉତ୍ତର ଦିଏ ଯେଉଁ ପରମ ଭାଗବତ କରୁଣା, ପରମ ଭାଗବତ କରୁଣା ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ୟୋତିମାନସ, ସେ ଅତିମାନସ ଜ୍ୟୋତି ଯେତେବେଳେ କରୁଣାର ଧାରା ନେଇ ଆମ ଭିତରକୁ ଅବତରଣ କରି ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଏହିସବୁ ସୁଘଟନ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଘଟିଯିବ। ଆପେ ଆପେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଆମର ଅହଂର ବିଲୁପ୍ତି ଘଟିବ, ବୌଦ୍ଧିକତାର ବିଲୁପ୍ତି ଘଟିବ, ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ରୂଢ଼ିବାଦର ବିଲୋପ ଘଟିବ, ଏବଂ ଆମ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଭଳି ଆମ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଏକ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ନିଆଯାଇଛି, ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଛି।
अश्वपतिंक जीवनरे जहाँ घटी बोली कहते श्रीरबिंद ताक निज जीवन में घटी एवं प्रकारांतर इंगित करी घटना आम भितर घटी जापे जिते बड़े आम से एक प्रस्तुतिर भाव नहीं निजक प्रस्तुत करें से गोटे व्याकुता नहीं आम निजक प्रस्तुत करें से एक अभीप्सा से एक आस्पृहा जिते आम अंतर्चेतन जाग्रत करें सेत घटना घट ही घट नेक्स्ट हिच मार्च नाउ सोर्ड इनटू एन ईगल्स फ्लाइट हिच मार्च वर्तमान अश्वपति आउ ए पार्थिव चेतना सहित जोड़ी हुई रहना अभिजात्रा वर्तमान एक ईगल्स फ्लाइट बाजपक्षीर ऊर्ध्वाभिमुखी गति सदृश हो गला ईगल आम जानु ईगल हूँ गोटे पक्षी जे सुच्च आकाश रे उड़े जथेष उच्चरे बाकी पक्षी मान अपेक्षा से अधिक उच्चरे उड़े जदि अधिक उच्चरे उड़े तथापि तार दृष्टि अति तीक्ष्ण तलरे तार शिकार प्रति तार तीक्ष्ण दृष्टि थाए एवं बाजपक्षीर ईगल रा आउ गोटे विशेषत्व हेउची जे ईगल पक्षी कुआडे अपलक नयरे सूर्य को मध्य देखि पारे आमे देखि पारु नाउ आमे सूर्य को किछि समय देखिले आम आखिरे पलक पड़ जाए एक प्रकार अंधकार छाई जाए किंतु ईगल कुआडे अपलक नयनरे सूर्य को मध्य देखि पारे तो वर्तमान एक ऊर्ध्वायन गति अश्वपतिंकर जीवन यात्रा रे एक ऊर्ध्वायन गति आरंभ हो जाए हिज मार्च नाउ सोर्ड इनटू एन ईगल्स फ्लाइट जथेष्ट चेतना जथेष्ट उच्च भूमि को से उड़ी चली उठी चली आउट ऑफ अप्रेंटिसशिप अप टू इग्नोरेंस आउट ऑफ अप्रेंटिसशिप टू इग्नोरेंस विजडम अपरेज्ड हिम टू हर मास्टर क्राफ्ट एंड मेड हिम एन आर्क मिशन ऑफ द सोल ए बिल्डर ऑफ द इमोर्टल सीक्रेट हाउस एन एस्पायरेंट टू सुपरनल टाइमलेसनेस पुणी अश्वपतिंकर चरित्र को उपलक्ष्य करी आम समस्त मानव जाति को यही विषय सचेतन कर दौंस श्रीरबिंद वर्तमान पर्यंत आम कौन करिछु नहीं आम इग्नोरेन्स अज्ञानर एक शिष्य भाव ताठ शिक्षानवीश भाव आम शिक्षा ग्रहण करुचु कौशल शिखुचु किंतु जेहेतु अश्वपतिंकर अहंग्र विलोप घटी सारी अश्वपतिंकर चेतनारे एक ऊर्ध्वाहित गति आरंभ हो जाए वर्तमान स्वाभाविक भाव कौन कर अज्ञानतार अधीन शिक्षा लाभ करुवा चेतना को टाणी आणुची किए विजडम अपरेज्ड हिम एक प्रज्ञाता ऊर्ध्व को उत्तोलित करू हर मास्टर क्राफ्ट प्रकृतिर जो अति निपुण कारुशिल्प रही से आड़क से उत्तोलित करे एंड मेड हिम एन आर्क मिशन ऑफ द सोल एवं अश्वपति को से विजडम तैयारी कले केमिति आर्क मिशन एक मुख्य स्थपति एक मुख्य मिस्त्री बोली आम कह पारे मिशन माने मिस्त्री जो मैंने कार्य करती शिल्पी किंतु साधारण एक शिल्पी नुह आर्क मिशन माने जार मुख्य भूमिका थाए आत्मार स्वरूप निर्माण करिबा पाई आत्मार परिणति जो चरम परिणति रही परिणति दिगरे आत्मा को प्रस्तुत करने एक शिल्पी भाव विजडम तांकु व्यवहार करुछंती इग्नोरेन्स अधीन तांकु मुक्त करी से निजे अश्वपति को आत्मार एक क्राफ्टमैन बोलिकी कारुशिल्पी भाव से तांकु शिक्षा दौंती योग्य करुछंती ए बिल्डर ऑफ द इमोर्टल सीक्रेट हाउस इमोर्टल सीक्रेट हाउस अमरंकर गोपन कक्ष रे दैट सीक्रेट हाउस इज देयर विदिन ऑल ऑफ अस अमरंकर से गोपन कक्ष आम समस्त भितर रही गुह्याभ्यंतर बोली आम जहाँ को ईश्वर सदा जनान हृदेश अर्जुन तिष्ठति हृदेश से हृदेश रही अमरंकर से कक्ष अमरंकर गोपन कक्ष रे एक निर्माता भाव
विजडम उत्तोलित कर नेची एन एस्पिरेंट टू सुपरनल टाइमलेसनेस एवं अश्वपति को एक अस्पृहशील सत्तारे परिणत कर देची केमिति ना टू सुपरनल टाइमलेसनेस सुपरनल आम जोटा कहू सुपरनल हो अतिलौकिक ऐसी संपन्न तो एक सुपरनल टाइमलेसनेस टाइम जोठारे रहे नहीं काल जोठारे सीमित भी रहे नहीं कालहीन एक स्थिति को एक ऐसी कालहीन स्थितिर अस्पृहशील एक व्यक्ति रे अश्वपति को परिणत करी अश्वपति पलटि जाइछंती कालातिक्रांति दिगे दिगे जणे अभिप्सु जे काल को अतिक्रम मध्य करि जिबे काल भितर से सीमित होइ रहिबे नै काल भितर से आबद्ध होइ रहिबे नै एही बेले एक अभिप्सा अश्वपति भितर से विजडम बा परम प्रज्ञा जाग्रत करि दैछि फ्रीडम एंड एम्पायर कल टू हिम ऑन हाई परिणामत दुईटी घटना तांक जीवन रे वर्तमान घटुची फ्रीडम एंड एम्पायर कल टू हिम ऑन हाई एबोव माइंड्स ट्विलाइट एंड लाइफ स्टार लिड नाइट दे आर ग्लीम द डॉन ऑफ ए स्पिरिचुअल डे जेहेतु कालातिक्रांत एक अभिप्सु भावरे अश्वपति वर्तमान ऊर्ध्व को चेतना ऊर्ध्वाहित एक चेतनारे से ऊर्ध्व को उड़ी चली छंती छुट्टी चली छंती परिणाम रे कण हेची फ्रीडम एंड एम्पायर मुक्ति एवं आम देखिबे स्वाधीनता और साम्राज्य स्वराज्य और साम्राज्य ए दुईटा सत्य जमी ऊर्ध्वतर एक स्थिति आह्वान करुच्ची अर्थात वर्तमान अश्वपति को स्वाधीनता मध्य मिलुची फ्रीडम मध्य मिलुची एवं साम्राज्य बा स्पिरिचुअल किंगडम बोलकर आम कहे वर्तमान जितेबले व्यक्ति अहंग्रु विलोप अहंग्रु मुक्त हो जाए सेतेबले से प्रकृत रे मुक्त हुए एवं से अध्यात्म राज्यर प्राप्त करे अध्यात्म राज्य को प्राप्त करे अध्यात्म साम्राज्य को प्राप्त करे फ्रीडम एंड एम्पायर कल टू हिम ऑन हाई ऊर्ध्वरु तांको आह्वान करुचे सत्य जेमिति स्वाधीनता और साम्राज्य एबोव माइंड्स टू लाइट पुणी एठारे आमको कहुचे माइंड्स टू लाइट जो मनर आम मैंने अधिकारी ताकि एक ट्विलाइट बा आम जहाँ गोधू अवस्था संपूर्ण आलोक से वर्तमान पर्यंत आमको प्रदान कर पारे ना तो मनर से गोधू अवस्थार ऊर्धरे अर्थात मन संपूर्ण आलोकित तो वर्तमान पर्यंत नुह एक धूसर अवस्था रही एक अर्धालोकित तो अवस्था रही हाफ लिट माइंड बोली श्रीरबिंद कहते तो तार ऊर्धरे एबोव माइंड्स ट्विलाइट एंड लाइफ स्टार लिट नाइट मन तो आम स्पष्ट आलोकित नुह एवं आमर जीवन केमिति हुई रही आम जीवन मध्य मन अपेक्षा आहुरी कम आलोकित गोधूलित अवस्था तथापि किसी किसी स्पष्टता थाए कि दृश्यमान आमको हुए वस्तु जितेबाला संध्या सूर्यास्त हो रात्रि आसी ना जहाँ आम गोधूली कहचु ट्विलाइट बोली कहचु से समय कि स्पष्टता थाए तापर पर जो राति आसी जाए राति में केवल तारा मैंने था चारिड़े अंधकार छाई जाए कि आलोक आमको देखा जाए ठीक सेमती मनर अवस्था जदि अर्धालोकित होगी अच्छी आम जब देखिए जीवनर अवस्था प्राणर अवस्था एक चतुर्थांश बा एक दशमांश आलोकित रही तो तार ऊर्ध्वरे एबोव माइंड्स ट्विलाइट एंड लाइफ स्टार लेट नाइट दे आर ग्लीम द डॉन एक झलक देखागला से भली स्थिति ऊर्ध्वरे एक झलक देखा जाउची कौन कहार झलक दे आर ग्लीम द डॉन ऑफ ए स्पिरिचुअल डे एक आध्यात्मिक दिवस उषा काल एक झलक सेठारे तांको देखा जाउची जेतेबेले से कालातिक्रांत अस्पृहशील अश्वपति चेतनार ऊर्ध्वतर एक अवस्था को उन्नीत हो जाउछंती उत्तोलित हो जाउछंती सेतेबेले से एक आध्यात्मिक दिवस अयमारंभ को शुभारंभ को उषा समय को सेठारे से देखि पारुछंती जानि पारुछंती आज आम ये रखिबे पृष्ठा 26 7 नंबर लाइन आसंता काली सकाळे 5 टा रे आम
पृष्ठा 26-8 नंबर लाइन रु आरंभ करिवे।